उसमें हम लोग ऑफिस बना देते हैं इसको, पूरा ऑफिस, ऑफिस ये देख लीजिए, ये ऑफिस बना देते हैं हम लोग, कैफे हाउस बनाया है, इसके अंदर लेबर को सोने के लिए बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मेन है कि कंस्ट्रक्शन में आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे कुछ रहता नहीं है आपको, तो उसके लिए आपको एक बॉक्स, हम लोग शिपिंग यूज कंटेनर, ये शिपमेंट वाला है, इधर से उधर शिप कर देते हैं, पोटा केबिन। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल प्रिंस ब्लॉगिंग। तो मैं तो हर रोज ही आपके लिए गाड़ी का वीडियो लाता हूँ, फोन का, लोडेड ट्रक का, सब का वीडियो लाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अलग वीडियो भी आपके लिए बनाते हैं, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है, इसीलिए मैं बोलूंगा पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए बिना स्किप किए। हम लोग आए हैं कंटेनर, खिदिरपुर पे चले हैं कंटेनर का वीडियो बनाने। मैं सोचा कंटेनर सुन के ही सबका कंटेनर का क्या ही वीडियो होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, कंटेनर में यहाँ पे घर होता है, मतलब आप कंटेनर पे रह सकते हो, सो सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो और उसके साथ बिजनेस भी कर सकते हो। कंटेनर अभी बहुत, जो शिपिंग कंटेनर होता है, बहुत यूज़ में लगता है, मैं आके देख के दंग रहेगा, इतना यूज़ पे आप यूज़ कर सकते हो कंटेनर को। तो देख लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये हो रहा है क्या, कॉफ़ी हाउस, कैफ़े जो होता है, कैफ़े हो रहा है, देख ही पा रहे हो ऊपर पे, वहाँ पे आप बैठ सकते हो, नीचे अंदर पे जो हो रहा है ये काम चल रहा है। तो वहाँ पे तो मैंने आपको कैफ़े दिखाया जो रेडी हो रहा था, और ये जो है पूरा ऑफिस बन गया, पोर्टेबल ऑफिस जो बोलते हैं सब लोग, पोर्टेबल मतलब इसको आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। जैसे बहुत कंस्ट्रक्शन एरिया पे क्या होता है, घर रहता है लेबर लोग के लिए, तो एक घर भी बन जाएगा, मतलब यहाँ पे बेड बन जाएगा, आप जैसा बोलोगे वैसा बन जाएगा, आप सिर्फ मुंह से बोलो मुझे ऐसा चाहिए, भैया हाजिर कर देंगे। पूरा ऑफिस केबिन बन गया, देख ही पा रहे हो यहाँ पे सब एम्प्लॉय बैठ के काम कर सकते हैं, लाइट पंखा सब कुछ, मतलब बाहर से देख के कोई बोलेगा ही नहीं कि ये पोर्टेबल कंटेनर है, पोर्टेबल जो होता है। तो पूरा वीडियो को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत कुछ आप जान पाओगे, बहुत कुछ सीख पाओगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ आ चुके हैं सर, तो सर नमस्ते। नमस्ते। तो सर आपका नाम पहले, और कंपनी का नाम क्या है? मेरे कंपनी का नाम है ओवरसीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मेरा नाम हुआ सैयद हसनैन अहमद, हम पोर्ट एरिया में रहते हैं, ये पोर्ट एरिया में आईटीसी के अपोजिट में मेरा ऑफिस है। तो सर मतलब मैं जब आया कंटेनर में इतना सब कुछ बनाते हो, मतलब मैं देख के दंग रहेगा। आप बताओगे जो जो चीज बोलोगे, ये शिपिंग यूज कंटेनर है, जो पानी वाला जहाज से आता है ना जिसमें मटेरियल, वो वाले कंटेनर को हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग यूज ऐसे करते हैं, हम लोग पहले शिपिंग कंपनी से परचेस करते हैं, करने के बाद कस्टम से इसका ड्यूटी फ्यूटी सब देख लेते हैं क्लियर है, फिर हम लोग लेके इसको डोमेस्टिक यूज करते हैं, उसमें हम लोग ऑफिस बना देते हैं इसको, पूरा ऑफिस, ऑफिस ये देख लीजिए, ये ऑफिस बना देते हैं, हम लोग कैफे हाउस बनाया है, इसके अंदर लेबर को सोने के लिए बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मेन है कि कंस्ट्रक्शन में आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे कुछ रहता नहीं है आपको, तो उसके लिए आपको एक बॉक्स, हम लोग शिपिंग यूज कंटेनर, ये शिपमेंट वाला है, इधर से उधर शिप कर देते हैं, पोटा केबिन है। तो आप वहां ले जाओगे, आप एक घर बनाते हो कहीं पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वहां पे आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपया लगता है जरूर, और वो कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाने के बाद आपको वहीं पे तोड़ देना पड़ता है। ये क्या है, ये हम लोग बना देते हैं, इसको बनाने के बाद आप कहीं आउटसाइड चालू हो वहां आप शिफ्ट कर सकते हो इसको। और सबसे मेन बात यहाँ पे खिड़की भी है, देखिए इसमें, इसमें ये है खिड़की भी हम लोग दे देते हैं, विंडो, वाह मतलब पूरा घर। और ऑफिस के लिए यहाँ पे पिन लगा दिया, यहाँ पे लैपटॉप रख के आप आराम से चार्ज कर सकते हो, ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखा लाइट, और मैंने देखा कि एसी का प्रोविजन किया हुआ है इसमें, वाह ऊपर में वो विंडो लगेगा, नीचे वो एसी, स्प्रिट एसी आप लगा सकते हो, पूरा वायरिंग किया हुआ है इसमें,
वाह, मतलब लेके कोई खर्चा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं खर्चा है, सिर्फ तार लेके जोड़ लेना, लाइन चालू हो जाएगा, आप आराम से बैठ के ऑफिस का काम कर सकते हो। वाह, सिर्फ ऑफिस नहीं सर ने जैसा बोला कि कैफे, रेस्टोरेंट, घर, आप जो बोलोगे वो बना देंगे हम। वाह, तो इसके लिए तो बहुत सारा प्रोसेस भी है। हाँ, प्रोसेस है इसका, चलिए आपको हम दिखलाते हैं कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ओके। ये देख लीजिए, ये पहला प्रोसेस हम लोग का है, ये कंटेनर होता है, चारों तरफ से देख लीजिए एकदम साफ सुथरा कंटेनर, कहीं कोई लीकेज नहीं। इसको पहले हम लोग खरीदते हैं, पेपर वगैरह ओके करके एकदम कस्टम से क्लियरेंस लेके तब हम लोग इसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। पहला ये देख लीजिए, ये 20 फीट लंबा है, 8 फीट चौड़ा है, 8 फीट हाइट है। ओके, तो एक पहले कंटेनर ऐसा खाली कंटेनर खरीदा जाता है, उसके बाद काम करना, इसके बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं। आपको जो बनाना है, जैसे क्या कॉफी हाउस बनाना है, ऑफिस बनाना है, बाथरूम बनाना है, किचन बनाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना है, जो बनाना बोलिएगा बना देंगे। तो अभी आ चुके 40 फीट का, ये 40 फीट कंटेनर है, 40 फुट लंबा, 8 फीट चौड़ा, 8 फीट हाइट, बहुत एज इट इज। ऐसे भी आप सेल करना चाहो, आपको परचेस करना, गोडाउन बनाना, सीमेंट रखना, कुछ भी रखने के लिए ये बेहतरीन है। आइए आपको दिखलाते हैं अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या है, पूरा रेडी टू। हाँ, रेडी है, ये रेडी है। सिर्फ ऐसे भी खरीद सकते हैं? ऐसे भी आप खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये कस्टम क्लियर किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, रेडी है, दोनों साइड से एकदम क्लियर है, ऊपर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छेद उद नहीं है, एकदम पानी उनी भी नहीं छुएगा कोई, एकदम फर्स्ट क्लास सीमेंट रखने के लिए बेहतरीन है ये गोडाउन के लिए। तो इसका प्राइस कितना का? इसका प्राइस एज इट इज 280 अभी हम लोग रखा है, 280 पे आपको मिल जाएगा 40 फीट कंटेनर, पोर्टेबल कंटेनर। हाँ हाँ हाँ, 280 275। आइए, बहुत आइए, बात हो जाएगा, दे देंगे। ये 20 फीट का अभी हम लोग 150 रेट रखे हुए हैं, 40 फीट का हम लोग अभी 275 रखे हुए हैं। ये एज इट इज ऐसे गुड कंडीशन में हम दे सकते हैं, शिपिंग यूज कंटेनर, पेपर ओके, कस्टम क्लियरेंस के बाद, प्लस जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और थोड़ा सा एक चार्ज होता है ये गोडाउन का, वो लिफ्टिंग चार्ज थोड़ा सा आता है, 2500 या 3000 या 4000 के अंदर में, 20 फीट का 2300 रुपया, 40 फीट का 4300 रुपया, ये लोडिंग का, ये गोडाउन वाले लेंगे, ये तो शिपिंग कंटेनर है, शिपिंग वाले हमको रिलीज ऑर्डर देते हैं, हम उनको दे देंगे। अभी आ चुके हैं जहाँ पे कंटेनर के बाद जहाँ पे काम चालू होता है, प्रोसेस होता है, एक ही पार में मतलब दो तीन काम चल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे तीन कंटेनर का काम चल रहा है, अभी दो का चल रहा है, ये कम्प्लीट हो चुका है, ये कैफी हाउस बन रहा है, आइए आपको हम दिखलाते हैं कैसे बनता है। आइए, कैफे हाउस बना रहे हैं हम लोग, आइए ऊपर भी चल सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ से ऊपर चढ़ के ऊपर, वो ऊपर फ्लोर बन रहा है ऊपर में, वो वहां पे वो बच्चे लोग बैठेंगे, टेबल उबुल लगेगा, ये सीढ़ी एक बन रहा है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन में है ये हम लोगों का सीढ़ी है काम करने के लिए। इसका सीढ़ी अलग से, इसका सीढ़ी अलग से बनेगा, वो बन रहा है। ओके, और फिर ये अंदर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये चार विंडो है, बीच में दो टेबल आएगा, एक गेट बंद हो जाएगा, एक गेट यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पीछे में फ्रिज रहेगा, टेबल रहेगा, ये पूरा सिस्टम करके हम लोग बना देंगे। ये ऑफिस हम लोग अपने हाथ से बनाए, ये यूज कंटेनर नहीं है, ये हम लोग अपने से मैन्युफैक्चर करके बनाया है, 15 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है। इसके अंदर आइए आपको दिखलाते हैं क्या क्या किया हम। आइए, ये मेरा यूज करने का मटेरियल है, जब तक ले नहीं जा रहा पार्टी, हम गोडाउन बना के रखा है इसको, आइए आपको दिखलाते हैं। पूरा ऑफिस हो गया, ये वर्क स्टेशन है, इसमें 6 इधर बैठेगा, 5 और इधर होगी आपको 5 5 वर्क स्टेशन है, एक अलमारी है यहाँ पे, ये इसको अलमारी भी है, ये फाइल उन रखने का है, पूरा लाइट का कनेक्शन किया हुआ है, दो पंखा है, 3 ट्यूबलाइट है, ये 15x10 है, ये हम लोगों का मैन्युफैक्चर किया हुआ, अपने हाथ से बनाया, ये शिपिंग कंटेनर नहीं है, पूरा हाथ से बनाया, ये हम लोग पूरा अपने हाथ से बनाया। नीचे फ्लोर भी देख लीजिए एकदम चकचक है, सिर्फ इसके अंदर घुसने के बाद पता नहीं चलेगा कि आप ऑफिस में हो, एकदम ये बाहर में हो कहीं पे, ये लग रहा है ये अजूबा चीज है, ये फुल रेडी टू यूज है मेरे ख्याल से। यस यस यस, आप जो बोलोगे बन जाएगा। चलो, साइज क्या क्या रहता है कंटेनर का? वो ये कंटेनर का दो साइज आता है, 40 फुट लंबा होता है, 8 फीट चौड़ा होता है, 9.5 फीट हाइट होता है, एक ये है 40 में, एक 8.5 फीट भी आता है, हाइट कम होता है, और 20 फीट आता है, 20 फुट लंबा, 8 फीट चौड़ा, 8 फीट हाइट। वाह,
160 स्क्वायर फीट टोटल अंदर में आता है, 360 इसमें आता है, 40 फीट में। मुझे तो पर्सनली ऑफिस से भी ज्यादा है, रेस्टोरेंट कैफे बहुत अच्छा लगा देख के ही, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना, ऊपर आप जाके मतलब चिल कर सकते हो, वहाँ पे टेबल लगा सकते हो, जो चाहे मन वो काम कर सकते हो। ये 160 स्क्वायर फीट होता है, 160 पे हुआ है, 160 स्क्वायर फीट पे हुआ है। ओके, ये इसका साइज बनता है। इसमें पूरा आप 160 स्क्वायर फीट में आप जो बोलोगे वो बना देंगे, वो बना देंगे। आप सिर्फ बोलिए कि आपको बोलिए, हाँ सब हो जाएगा। और जो कैफे का जो वीडियो है, जो पूरा रेडी होने के बाद उसका भी उसका लास्ट पे डाल दूंगा, तो देख लेना कैसे लगेगा। ये तो अभी काम चल रहा है इसीलिए ऐसा लग रहा है, काम होने के बाद कैसा लगेगा आप जरूर से उसको तो देखना ही पड़ेगा आपको। और एक चीज है ना कि इसको आप ऑर्डर जब हमको दोगे तो मिनिमम 10 डेज देना होगा, 10 दिन के अंदर हम डिलीवरी कर सकते हैं आपको। मिनिमम दस दिन ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे, आप जहाँ चाहोगे वहाँ का ट्रांसपोर्ट दे देंगे, हम बना देंगे। वो चार्ज आपको पे करना होगा ट्रांसपोर्टेशन का, एकदम हम बना देंगे, उसका चार्ज अलग होगा, वो ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे आपको, फुल पैकेज में हम लेंगे, फुल पैकेज में मिलेगा। हाँ, ऑल इंडिया आप जहाँ चाहो वहाँ भेज देंगे। सो 20 फीट का कंटेनर तो आपने देख लिया, ये है 40 फीट का, ये 40 फीट का अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखिए पर बहुत लंबा है, बहुत लंबा, आप इसमें जो चाहो वो बना सकते हो, ये बना सकते हो। ये देखो आप, ये फायर के लिए हम लोग देते हैं, अगर इसमें वायरिंग करते हैं ना तो अगर आग लगेगा तो ये यहीं से रुक जाएगा, आप एक तार टान के निकाल सकते हो। ये फायर एकदम वाटर माने फायर प्रूफ है। ये देखो यहाँ पे ये वायरिंग किया हुआ, ये देखो आप यहाँ पे वायरिंग किया हुआ है पाइप के अंदर में, ये यहाँ से जलेगा, वो पाइप आप खींच के निकाल सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, एकदम आग भी नहीं लगेगा, ये 40 फीट है, यहाँ पे आराम से आप बना सकते हो। देखो आप वहाँ पे एक गेट बना दिया हम उसके अंदर, वहां से गेट खोल के आप आउट हो सकते हो, इधर भी ये दो गेट है, इधर भी आप घुस सकते हो। नीचे बेड बना लो आप, 6 नीचे, 12 नीचे, 12 ऊपर, 12 ऊपर बंक बेड जिसे बोलते हैं। 24 आदमी के रहने का आराम से होगा, एक टॉयलेट बना देंगे इसके अंदर, टॉयलेट का भी छवि आपको हम दे देते हैं, थोड़ा टॉयलेट भी बना देंगे, किचन भी एक बना देंगे, आप टॉयलेट भी है किचन भी है दोनों है, सब मिल जाएगा एक जगह में, उसमें वॉशरूम में आराम से आप वेस्टर्न बाथरूम है, नहा भी सकते हैं, यूरिन भी कर सकते हैं आराम से। उसके बगल में एक सिंक लगा हुआ, आप उसमें किचन टाइप का बना देते हैं, वहाँ आप खाना पीना भी बना सकते हैं। ओके, एक टेबल लगा लीजिए सर्व करने के लिए, डाइनिंग टेबल बोलिएगा बना देंगे हम, लेबर लोग को रहने के लिए, ऑफिसर को रहने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बना देते हैं हम लोग उसके अंदर में। आप जो बोलोगे सिर्फ मुंह से आप बोलिए ना, हम बना देते हैं। हम एक सिक्योरिटी केबिन बनाया है यहाँ पे, जैसे कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रहा हो या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो, ये 10x10 का है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए बनाया है, मतलब जैसे फ्लैट में रहता है। हाँ हाँ, ये 10x10 का आप शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी, इसमें लाइन उन सब लगा हुआ, बाहर में भी लाइट जल रहा है, अंदर में भी है, वो एक बेड बना हुआ रहने के लिए, एक चेयर है वहाँ पे, टेबल बना हुआ फाइल भी रखने के लिए, वो आप शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी, ये 10x10 का बना हुआ, कम खर्चा में पैसा वसूल चीज है। हाँ, बेहतरीन चीज बना के दिया है, इसका गारंटी भी है जरूर से। आइए आपको ये वाला दिखाते हैं, ठीक है, कि इसमें आपको करना क्या है। सिर्फ ये तार बाहर से कनेक्शन आपको इतना हो रहा है, जितना जहाँ से लाइन आपको लाना है वो ले आके सिर्फ जोड़ देना है वहाँ पे, और ये आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से। आइए आपको ले चलते हैं, आइए अंदर आइए, ये देख लीजिए आपका ये लाइन उन सब पंखाओं का सब रेडी बन गया, आइए कंप्लीट हो रहा है यहाँ, पूरा कंप्लीट है। आइए आपको अंदर आइए, आपको और दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये एसी का प्रोविजन किया हुआ यहाँ पे, यहाँ से पाइप बाहर जाएगा, ऊपर में एक हम चैनल लगा के बना दिया, वहां पे मशीन बैठेगा, यहाँ पे स्प्रिट एसी बैठेगा, ये स्विच लगाना एसी आपका चालू हो गया। आज ही आप यहाँ से, यहाँ हो गया ये बॉस केबिन आ गया, यहाँ से अंदर घुस जाइए आप, आइए अंदर, हम आ गए अंदर, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ओके, ये बंद हो गया, यहाँ पे आप आराम से कंप्यूटर रख लीजिए, यहाँ पे बोर्ड दे दिया लाइन का, यहाँ पे अपना फाइल रख लीजिए, यहाँ पे एक तो कैश के लिए रख दिया बना के हम लोग, वो भी डोर भी रखा हुआ, ये विंडो दे दिया एक आपको, खिड़की खोल दीजिए थोड़ा विंडो, हाँ ये विंडो है आपका, ना हो इसके लिए पूरा ऑफिस जैसे रियल होता है। हाँ, यहाँ पे वर्क स्टेशन 4 आदमी का बना दिया, 4 आदमी बैठ के 1 2 3 4 काम करेंगे यहाँ पे, ये एक विंडो इधर भी दे दिया आपका,
यहाँ पे आपका फ्रिज रखने के लिए दे दिया है, ये देख का भी ऑप्शन है, ये फ्रिज के लिए यहाँ पे एक लगाने के लिए, ये लाइन रेडी कर दिया, यहाँ पे एमसीबी बैठा दिया, सब कोई कनेक्शन कहीं से, और इसके अंदर में ग्लासुल लगा हुआ, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आग नहीं लगेगा इसके अंदर में, वो मटेरियल हम डाला है, जो तार खराब होगा उसको निकाल के आप चेंज कर लो, ये आग नहीं लग सकता है इसके अंदर, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, ग्लासुल डाला हुआ उसके अंदर, और यहाँ पे तो फाइल, और ये फाइल लगने के लिए हम लोग कैबिनेट बना दिया है, मतलब आपको लेके फुल यूज करना है, एक भी काम नहीं करना है, कुछ नहीं, बस सिर्फ वो तार लगाना है, लाइन जोड़ना है, अंदर में बैठ के काम चालू कर लीजिए। वाह बहुत ही बढ़िया है। तो अभी आ चुके आपने प्रोसेस देख लिया, हाँ। रॉ मटेरियल देख लिया, प्रोसेस क्या होता है, तो अभी आ जाते हैं थोड़ा पॉकेट की तरफ। अच्छा ठीक ठीक, ना लगेगा इसका फुल कंप्लीट, ये 20 फुट लंबा है, 8 फीट चौड़ा है, 8 फीट हाइट है, ये पूरा प्रोविजन करके हमको देना है, इसका 3,25,000 रुपया पड़ता है आज के डेट में, यहाँ पे प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी 3,25,000 में पूरा रेडी, देख पूरा रेडी करके आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, विद इन 10 दिन के अंदर में आप ऑर्डर दिए, 10 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा ये, और पूरा ट्रांसपोर्ट भी हम कर देंगे आपका, जहाँ आपको ले जाना है वो मेरा है, उसका कॉस्ट देना होगा जरूर से, ऑल इंडिया में कहीं भी आप बोल दो, बहुत जगह भैया का डिलीवरी भी होता है, जैसे हाँ। अपने बोला कि अभी छत्तीसगढ़ है कहाँ पे, ये जमशेदपुर का है ये ऑर्डर मेरे पास, बाहर में लिखा हुआ है कंपनी का नाम, कंस्ट्रक्शन कंपनी की है, ओके तो जमशेदपुर चला जाएगा, ये जमशेदपुर के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग गाड़ी का, अभी आएगा तो निकल जाएगा ये, नेक्स्ट वाला कॉफी हाउस है वो मेदिनीपुर जा रहा है, ये मलेशिया के लिए इसमें वाटर प्लांट बना रहे हैं 40 फीट के अंदर, इसमें वाटर प्लांट है, ये मलेशिया जाएगा, मतलब अब जो बोलोगे वही हो जाएगा, जो आप बोलोगे सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चाहते हो, हॉस्पिटल, बाथरूम? हाँ हॉस्पिटल भी, मोहल्ला क्लिनिक भी हम लोग बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं, अभी कहीं बात चल रही है हम लोगों का, मतलब वो हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल बेड भी आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 बेड, ये तो सिर्फ 20 फीट का है, आप चाहो तो 40 फीट में आराम से आप बना सकते हो, आराम से, बहुत लंबा होता है, 360 स्क्वायर फीट होता है उसमें, अच्छे से आप बेड बना सकते हो, लेबर के रहने के लिए कंस्ट्रक्शन साइड में कम से कम 24 आदमी रहता है उसमें, दोनों साइड डबल बेड हम लोग बना देते हैं, ऊपर नीचे करके, बंक बेड जो बंक बेड नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, वो सीढ़ी उड़ी सब बना देते हैं हम लोग, और एक बात 24 आदमी के रहने का, 24 आदमी का 40 फीट पे, 40 फीट ओके और एक बात, मैं अगर कस्टमर हूँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप इंसुलेशन करके दोगे, टेबल चेयर मैं खुद अपने आप अपना आप से कर लो, ये मेरा रहेगा प्रोसेस, मैं कंटेनर के अंदर इंसुलेशन कर दूंगा, एसी प्रोविजन कर दूंगा, लाइट कर दूंगा, ठीक है 3 पंखा 3 ट्यूबलाइट, ठीक है, चेयर टेबल कुछ नहीं, कुछ नहीं आपको लगाएंगे, 2,75,000 पड़ेगा, 2,75,000 पे, और अगर आप ऐसा लेना चाहते ये सब करेंगे तो ये सब का अलग से कॉस्ट लगेगा, आप चाहो तो भी ले सकते हो, नहीं चाहो तो अपने आप से भी कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल, आप जैसा चाहोगे वैसा ही आपको दे देंगे, जी 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 जी, और जैसे कैफे देखा, कैफे का कितना खर्चा आएगा, कैफे का ऐसे मार्केट में हम लोग अभी बहुत कम में बना दिया है, ये हमारे एक बच्चे का है, हालांकि वो भी लड़का है, वो 3.5 लाख में बना के उसको दे रहे हैं, कैफे हाउस कौन सा, कितना फुट हो वो भी 20 फीट का है, पे ही होगा, अगर चाहे तो 40 में बना सकते हैं, 40 में बनाइएगा तो उसका कॉस्ट अलग पड़ जाएगा, ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ेगा, हाँ ये हम बन सकता है, हाँ 100% जो उसमें और रेस्टोरेंट बनेगा, टेबल बना देंगे, बहुत सीटिंग कैपेसिटी बहुत हो जाएगा, हाँ सीटिंग कैपेसिटी ऊपर में भी आ जाएगा, नीचे में भी आ जाएगा, ऊपर भी आप बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा बना देंगे, ओके और जो सिक्योरिटी गार्ड देखा, हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड है 10x10 का है, उसके अंदर में एक बेड है रेस्ट करने के लिए, एक चेयर, एक टेबल और लाइट बना के रखा हुआ है, ठीक है तो उसका कॉस्ट, उसका 1.75 हम लोग बना के दे रहे हैं, उसके अंदर बेड अगर आप नहीं लोगे तो प्लेन सिक्योरिटी गार्ड का इंसुलिन ऐसा कर देंगे, लाइन का दे देंगे, ट्यूबलाइट, एक पंखा रहेगा, 1,40,000, 1,40,000 और 1,75,000, हाँ 1,75,000 में एक बेड भी मिल जाएगा आपके हिसाब से, आप ले सकते हो सिक्योरिटी गार्ड, तो मेरे ख्याल से मतलब जो सिटी एरिया है उसके लिए तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जो सोसाइटी रहता है सिक्योरिटी गार्ड का रूम तो रहेगा ही रहेगा, 10x10 का रहता है, रहता ही है, तो आप सिर्फ आओगे लोगे उठा के रख दो, मेरा कांटेक्ट नंबर तो आपके पास है, देख लीजिए चल रहा है, अगर पसंद आए या कोई क्वेरी हो भैया को कॉल कीजिए, और एक मेन बात जो मैं पूछना भूल गया, लॉन्गजीविटी क्या होता है इसका, इसका लॉन्गजीविटी ये है कि ये तो लाइफ टाइम के लिए हो गया है, लाइफ टाइम के, हाँ इसको कुछ नहीं करना, ये लाइफ टाइम के लिए है,
आपको सिर्फ काम करना है बाहर से जो पेंट किया हुआ है उसको आपको हर 2-3 साल में आपको पेंट करा देना है, 4 साल में जब देख ले कि डैमेज हो रहा है, थोड़ा कलर उड़ रहा है तो उसको पेंट कर देंगे अंदर से कुछ, ये लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस करते रहिए आप इसको, सिर्फ बाहर से वॉल पेंट कीजिए और कोई खर्चा ही नहीं है। 4-5 साल में एक बार रंग कर दीजिए, काम खत्म है, चलते रहेगा। आप शिफ्ट करते रहो कहीं भी उठा कहीं से कहीं, पोर्टेबल है, आप कहीं से भी कहीं ले जा सकते हो, सिर्फ आपको एक लॉरी चाहिए और ले जाना। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन साइट में लॉरी मिलता ही है, हाइड्रा भी मिलता है, बस उठा के उसको ले जाना है और जहाँ उतारना है वहाँ तो खुद हाइड्रा रहता है। कंस्ट्रक्शन ही साइट में ज्यादातर लोग लेते हैं, एकदम फैक्ट्री जहाँ बन रहा हो, बिल्डिंग बन रहा हो, जरूर से बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उनके लिए तो सबसे मेन यूजफुल होगा। आप सिर्फ कॉन्टेक्ट कीजिए, अगर बल्क पे लोगे तो और भी डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट कर देंगे उसमें अगर आप लेंगे। आप फिजिकली आके मेरे कारखाने में देखिए, मेरे ऑफिस को विजिट कीजिए, जरूर से। मेरा ऑफिस है वही ITC के अपोजिट में, खिदिरपुर पे, खिदिरपुर पोर्ट एरिया में है, ITC के जस्ट अपोजिट में, ओवरसीज ट्रेडिंग कारपोरेशन, 57/1 एड्रेस है मेरा, मोबाइल नंबर उस पे चल रहा होगा एकदम। और 7 दिन खुला भैया, 7 डेज, हाँ हाँ, 7 डेज ओपन, हाँ हाँ, 11 AM to 8 AM, ओके, 11 बजे से रात 8 बजे तक आप कॉल कीजिए और विजिट कीजिए ये शानदार चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं बोलूंगा अगर आपको चाहिए तो एक बार आके विजिट कीजिए, अगर विजिट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत लोग दूर से भी है, आप फोन कीजिए भैया, फोन कीजिए ना, हम फोटो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, आप उस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो जरूर से। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, एंड कर दीजिए, ठीक है, ओके, नमस्ते।